बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया अपना मुंह काला करने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल फूल सिंह बरैया ने यह कहा था कि अगर बीजेपी प्रदेश में जीत गई तो वो अपना मुंह काला कर लेंगे और अपने वादे को पूरा करने के लिए पहुंचे हैं फूल सिंह बरैया। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने कहा कि वे अपना वादा पूरा करते हैं और भले ही वादा कितना भी कठिन हो लेकिन वो अपना वादा पूरा करेंगे और मुंह काला करेंगे। हालांकि उनके समर्थक उनसे ऐसा ना करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच फुल सियासी एक्शन दिख रहा है, सियासी ड्रामा दिख रहा है। ये तस्वीरें फूल सिंह बरैया मुंह पर अपनी काले पोतने जा रहे हैं। फूल सिंह बरैया, जैसा कि उन्होंने पहले कहा था कि अगर प्रदेश में बीजेपी जीती तो वे अपना मुंह काला कर लेंगे, और ये तस्वीरें वही हैं। फूल सिंह बरैया ने कहा था कि वे अपना वादा पूरा करेंगे और वही वादा निभाने के लिए पहुंचे। हालांकि फूल सिंह बरैया खुद अपना चुनाव जीत गए हैं और अच्छे मार्जिन से जीते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो कहता हूं वो करता हूं, यही उनकी खासियत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा था कि प्रदेश में उनकी सरकार बनने जा रही है, आराम से वो जीतने जा रहे हैं, और ऐसा ही दावा फूल सिंह बरैया ने भी किया था। और वे यहां तक कह गए थे कि अगर बीजेपी जीत गई तो वे अपने चेहरे पर कालिक मलेंगे। जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, वहां की तस्वीरें डिस्क्राइब करें और बताएं कि क्या फूल सिंह बरैया कोई चांसेस हैं कि अपने वादे से पीछे भी हट सकते हैं? जी, आपने आपने कालिक कालिक क्यों पोती? आप ईवीएम के बारे में, आप नहीं, सरकार लुटवाई है ईवीएम ने, सरकार ऐसे लुटवाई है कि पोस्टल बैलेट्स में अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं तो 230 में से 199 कांग्रेस जीत रही है, 31 बीजेपी जीत रही है, मेरी 50 की थी 31 में ही रह गई, और ईवीएम की काउंटिंग है तो 163 बीजेपी जीत रही है और 66 कांग्रेस जीत रही है, तो ईवीएम से सरकार लूटी गई है। ईवीएम नहीं होती तो सरकार नहीं लूटती। लेकिन बरैया जी, एक चीज ये है कि कई एक जगहों पे जब आप लोगों की जीत होती है तो उस समय तो ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं उठाया जाता है। नहीं, देखिए, आप लोग टेक्नोलॉजी में अगर मास्टर हो तो मैं बात करूं, टेक्नोलॉजी में आप मास्टर नहीं है। मैं भी मास्टर नहीं हूं। नहीं 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 नहीं, मास्टर नहीं है, मैं मास्टर हूं। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम से ही जीत करके आया, मैं आपको बता रहा हूं, एक मैं पॉइंट बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं कि कांग्रेस जैसी पार्टी से सरकार लूट रही हो तो कांग्रेस जैसी पार्टी से अगर कोई सरकार लूट रहा है तो इतना नादान नहीं है वो। ये सारी चीजें आपको कहने के लिए छोड़ दे, नहीं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। 20,000 वोटों की एक स्लैब है, उन्होंने कांग्रेस 20,000 वोट अगर इधर के उधर हो जाए तो 100 सीटों पर फर्क पड़ जाता, और 20,000 वोट कांग्रेस के माइनस बीजेपी में चुप दिए जाएं तो 100 सीटें चली जाएंगी, और 100 सीटें अगर जाती हैं तो सरकार बदल जाती है। आपकी भी जीत, आपने भी जीत हासिल की है। मैं 50,000 से जीत रहा था तो 20,000 की स्लैब ने मुझे 30 पे पहुंचा दिया, तो आपकी भी हुई है ना, तो आपको पहुंचा दिया। तो फूल सिंह बरैया यहां वैसे तो अपना वादा निभाने पहुंचे हैं, लेकिन यहां ईवीएम पर भी सवाल खड़ा करने से नहीं चूके, और उन्होंने दावा किया कि पूरी स्ट्रैटेजी के साथ ईवीएम में हेर फेर करके कांग्रेस को चुनाव हरवाया गया है, ये दावा किया गया है फूल सिंह बरैया की ओर से। तो कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया, पूरा सियासी ड्रामा यहां पर दिख रहा है, वो अपने चेहरे पर कालिक मलने के लिए पहुंचे हैं जैसा कि उन्होंने वादा किया था, और उसी तरह वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, यहां पे ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वहां से बता रहे हैं क्या है तस्वीरें, क्या कह रहे हैं फूल सिंह बरैया। क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने के लिए फूल सिंह जी विरोध प्रदर्शन करने के लिए फूल सिंह बरैया यहां पर पहुंचे थे, और उन्होंने जो एक कालिक पोत करके, और उनका ये कहना है कि ईवीएम की वजह से इन लोगों को हार हासिल करनी पड़ी। सवाल जब उनसे ये पूछा गया कि ईवीएम की वजह से तो आपने भी जीत हासिल की है, तो वो कह रहे हैं कि जो मेरा एक वोट था कि मैं 50,000 वोट से जीता, मैं 30,000 वोट से जीता, तो ये पूरी तरीके से एक ठीकरा जो है ईवीएम के ऊपर फोड़ने की कोशिश है। यही था कि तेलंगाना में जो एक जीत हुई है उसके पीछे कारण ये रहा
कि यहाँ पर ईवीएम की वजह से ही चारों जो तीनों राज्य हैं उसमें जीत हासिल हुई है। ये केवल तेलंगाना इसलिए छोड़ दिए क्योंकि सभी सवाल उठने लगता और यही कारण है कि वो कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से ही यहाँ पर जीत हासिल हुई है। और आप यदि देखें तो उन्होंने काली खपने चेहरे पर यहाँ पर पोती है और विरोध प्रदर्शन अपना ये कहा जाए तो कर रहे थे ईवीएम को ही लेकर के विरोध प्रदर्शन, क्योंकि इनके द्वारा ये कहा गया था कि यदि 50 सीट से भी ज्यादा यह बीजेपी जीत करके आती है तो अपना मुंह काला करवा लेंगे और वहां अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। और यही कारण है कि उन्होंने अपना मुंह काला किया है और ईवीएम की वजह से, हालांकि इनको राजभवन जाना था लेकिन राहुल अगर तस्वीरें और अगर आप नजदीक से दिखा सके कि वहां क्या एक्शन चल रहा है। जरूर मैं कैमरामैन से जरूर कहूंगा कि तस्वीरें दिखाने के लिए कि क्योंकि इनको जाना न्यू मार्केट से राजभवन की तरफ था लेकिन बैरिकेडिंग होने की वजह से और पुलिस फोर्स की पूरी तरीके से डिप्लॉयमेंट की वजह से इनको यहां आगे जाने से रोक दिया गया और यहीं पर न्यू मार्केट के पास में इन्होंने अपना चेहरे पे जो है कालिख इन्होंने पोता है। लेकिन तमाम जो वज्र के वाहन हो या उसके अलावा जो पुलिस फोर्स के जो मध्य प्रदेश पुलिस के जवान यहां पर पूरी तरीके से तैनात किए गए थे और चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई थी जिससे कि उनको आगे जाने के लिए वहां पर रोक दिया गया। यहां से तकरीबन यदि कहा जाए कि आधे किलोमीटर दूर पे ही गवर्नर हाउस है जहां पे जाकर के उनको अपने चेहरे पे काली खोदनी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल इस पूरी जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें।